हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ग्राइंड 75 का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम है मर्ज टू शॉर्टेड लिस्ट, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये काफ़ी बार जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 21 है, मर्ज टू शॉर्टेड लिस्ट। क्वेश्चन में दिया है अपन को दो लिंक लिस्ट दी होगी एंड अपन को दोनों को मर्ज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि अपने पास ये एक लिस्ट दी एग्जांपल में एंड ये दूसरी लिंक लिस्ट दी है, अपन को दोनों को मर्ज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो वो आउटपुट ऐसे होगा, जैसे कि इसमें वन है, लिंक लिस्ट में भी वन है, तो वन वन आ गया पहले, बाद में क्या आया, टू है एंड थ्री है, टू स्मॉल है टू ऐड कर दिया लिस्ट में, उसके बाद है फोर है और यहाँ पे थ्री है क्योंकि थ्री अपन ने ऐड नहीं किया है, तो अपन थ्री ऐड करेंगे, स्मॉल थ्री है, बाद में फोर ऐड कर देंगे, बाद में फोर ऐड कर देंगे, तो ये अपना आउटपुट हो गया 1 1 2 3 4 4। तो ये अपना फर्स्ट एग्जांपल था, अपन देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट। क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो चलो अपन इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, तो अपन अप्रोच देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल में अपन को दिया है 1 2 4 एंड 1 3 4, तो ये दोनों लिंक लिस्ट है, अपन इसको L1 एंड L2 नाम दे देते हैं, दो लिंक लिस्ट है। जो फाइनल लिस्ट अपना आउटपुट होगा उसको नाम दे देते हैं ऐड, एंड वो अभी इनिशियलाइज ज़ीरो होगा, एंड ये हेड को अपना एक वेरिएबल temp हेड को पॉइंट करेगा। चलो देखते हैं कैसे मर्ज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिंक लिस्ट बनाएंगे। तो अपना L1 अभी पॉइंट कर रहा है यहाँ पे एंड L2 भी पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अपन देखेंगे L1 एंड L2 में से छोटा कौन है, तो दोनों इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे L1 को हेड में ऐड कर देंगे। तो हेड को पॉइंट कौन कर रहा है, टेम्प, तो अपन टेम्प में क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L1, तो अपना अभी L1 को पॉइंट कर रहा है, मीन्स 1 को पॉइंट कर रहा है। मान लो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने वैल्यू ले ली तो उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट, मीन्स अभी अपन 2 को पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि अपन ने 1 ऐड कर दिया है टेम्प में, एंड टेम्प अभी पॉइंट कर रहा है 1 को। तो जैसे कि अपना अभी क्या बना होगा, हेड 0 1, अभी ये बन गई अपनी लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अभी अपन पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, टेम्प को नेक्स्ट कर देंगे, तो टेम्प बाद में अपना पॉइंट 1 पे करेगा, ना कि 0 पे। तो कर देंगे अपन टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो अभी अपना L1 पॉइंट कर रहा है 2 को एंड L2 पॉइंट कर रहा है 1 को, तो अपन कंपेयर करेंगे L1 ग्रेटर देन L2, यस, तो अपन क्या करेंगे L2 ऐड कर देंगे। तो ये अपनी हो गई L1 स्मॉलर देन L2 की कंडीशन, एंड अभी अपन चेक कर रहे हैं L1 ग्रेटर देन L2 की कंडीशन। तो ये कंडीशन में अपन क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L2, सेम ही प्रोसेस है, बाद में L2 इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट, मीन्स अभी 3 को पॉइंट करेगा इंस्टेड ऑफ 1 को, मीन्स अपना हेड अभी हो गया है 0 1 एंड 1, और अपना पॉइंटर अभी है 1 पे। तो अभी अपन क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा अपना पॉइंटर ये वाले 1 से उठ के ये वाले 1 पे आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट अपन क्या करेंगे, जब इक्वल होंगे तो अपन इक्वल ले लेंगे, किसी एक को भी इक्वल ले लेंगे, तो अपन चलो इसको इक्वल ले लेते हैं। जैसे कि 1 1 था तो क्या होगा, तो भी ये कंडीशन में चला जाएगा, तो अपन ने L1 का ले लिया या L2 का ले लिया, किसी का भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, तो अपन ने L1 का ले लिया। जैसे कि अपन ने देखा था अपना L1 पॉइंट कर रहा था 2 को एंड L2 पॉइंट कर रहा था 3 को, एंड अपना हेड ये स्टेट पे था एंड टाइम अपना 1 को पॉइंट कर रहा था, एंड अपने पास ये दो कंडीशन दी है, तो इसी को फॉलो करके अपन नेक्स्ट आइटरेट करेंगे। तो अभी 2 एंड 3 में से क्या बड़ा है, तो L1 स्मॉलर देन इक्वल टू L2, तो ये फर्स्ट कंडीशन मैच हो रही है, तो फर्स्ट कंडीशन अपन ऐड कर देंगे, तो अपना टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L1, मीन्स 2 वैल्यू ऐड हो जाएगी
टेम्प में, ओके, एंड अपना L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट, मीन्स यहाँ से हट के अभी ये यहाँ पे पॉइंट करेगा, मीन्स 4 को पॉइंट करेगा, ये वाली कंडीशन। उसके बाद टेम्प अभी अपना पॉइंट कर रहा है 1 को, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो अभी अपना टेम्प डॉट नेक्स्ट पॉइंट करेगा 2 को, यहाँ से हटके यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो अपन वापस कंपेयर करेंगे, 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 3, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो अपन ये वाली कंडीशन सेकंड कंडीशन में जाएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या है, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L2, तो L2 क्या है अपना 3, तो 3 ऐड कर दिया एंड L2 का नेक्स्ट कर देंगे, तो L2 अपना 3 पे पॉइंट कर रहा है, तो अभी 4 पे पॉइंट करेगा एंड अपना टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हट के टेम्प अपना यहाँ पे चला जाएगा, तो अभी अपना टेम्प पॉइंट कर रहा है 3 को एंड अपना L1 पॉइंट कर रहा है 4 को एंड L2 भी पॉइंट कर रहा है 4 को। तो अपन फर्स्ट वाली कंडीशन देख सकते हैं, L1 स्मॉलर देन इक्वल टू L2, ये सही है। तो अपन क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट में L1 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, किसी को भी ले सकते हैं। तो अपन ने L1 को लिया है, तो अपन ने L1 को ऐड कर दिया एंड L1 को इंक्रीमेंट कर दिया, तो L1 अपना हो जाएगा नल, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू कोई है ही नहीं, एंड अपना टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। तो अपना टेम्प अभी पॉइंट करेगा 4 को। बाद में ये तो आइटरेट हो गया, बाद में अब हमको चेक करना है बचा क्या है, L1 एम्प्टी है, L2 एम्प्टी। L1 एम्प्टी है तो उसकी वैल्यूज ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ऑल वैल्यूज को लिंक लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो अभी अपन L2 एम्प्टी नहीं है तो उसको ऐड कर देंगे, बिकॉज L2 असेंडिंग ऑर्डर में ही है एंड जो भी L1 की वैल्यू ऐड हो गई है उससे बड़ी जी L2 में होगी, बिना चेक किए अपन उसको डाल देंगे। तो अभी अपन L2 को डाल देंगे, तो 4 के बाद अपना ये वाला L2 का 4 ऐड कर देंगे, ये 4 कर दिया एंड ये भी L2 भी अभी नल को पॉइंट करेगा एंड अपना टेम्प भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी अपना टेम्प हो गया 4 L2 वाला, तो अभी अपन आंसर रिटर्न कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट, ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने ये टेम्पररी वेरिएबल लिया था 0, वो अपन को स्टार्टिंग में चाहिए था लिंक लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए अपन ने 0 लिया था। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये पॉइंट इसको करेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना हेड होगा। तो चलो इसका कोड देखते हैं, तो अभी अपन कोड देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो अपन ने देखा था जैसे कि अपन को हेड डिफाइन करना है, वो इनिशियली 0 को पॉइंट करेगा, तो अपन हेड इनिशियलाइज करते हैं। ये लिस्ट नोड अपन को डिफाइंड है, तो अपन इसको 0 कर रहे हैं, ये न्यू कीवर्ड से अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लिस्ट नोड, यहाँ लिस्ट नोड डिफाइंड है सिंगल लिस्ट, यहाँ अपन ने हेड को डिफाइन कर दिया। उसके बाद अपन को टेम्प वेरिएबल लेना है, वो अपना हेड को पॉइंट करेगा एंड अपन वाइल लूप आइटरेट करेंगे L1 नॉट इक्वल टू नल। तो अपन यहाँ पे अपनी सेकंड कंडीशन लिखेंगे, वाइल L2 नॉट इक्वल टू नल, L1 डॉट वैल्यू ग्रेटर देन L2 डॉट वैल्यू, मीन्स L1 पे जो करंट वैल्यू है वो L2 की वैल्यू से बड़ी है। तो अपन क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट में L2 ले लेंगे, मीन्स स्मॉलर वैल्यू ले लेंगे एंड L2 का पॉइंटर आगे कर देंगे एंड टेम्प का पॉइंटर भी आगे कर देंगे। इफ ये कंडीशन मीट नहीं होती है, इसका मतलब अपना L1 स्मॉलर देन इक्वल टू L2 होगा, तो अपन टेम्प में L1 ले लेंगे, L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट एंड टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, दोनों के पॉइंटर आगे कर दिए। तो अपना L1 तो पूरा आइटरेट हो जाएगा बट L2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन ने वाइल लूप में L1 की कंडीशन लिखी है, L1 नॉट इक्वल टू नल, तो L1 आइटरेट हो जाएगा एंड L2 में कुछ वैल्यूज रहेगी जो L1 से बड़ी होगी, तो उसको अपन को ऐड करना होगा एंड लिस्ट अपनी ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में है, तो अपन डायरेक्ट ऐड कर देंगे। चेक करेंगे L2 नॉट इक्वल टू नल एंड डायरेक्ट ऐड कर देंगे, L2 का पॉइंटर आगे कर देंगे, बाद में टेम्प को भी नेक्स्ट पे लेके जाएंगे
बाद में अभी अपना हेड पॉइंट कर रहा है 0 को, तो अपन को हेड डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा। एंड अभी इसको सबमिट करेंगे कोड को। तो ये अपना कोड सबमिट हो गया है एंड सक्सेस है। तो अभी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होगी ऑफ एन प्लस एम। यहाँ पे एन अपना होगा लेंथ ऑफ L1, लिंक लिस्ट L1 की लेंथ, एंड एम होगा L2 की लेंथ। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ 1 होगी, क्योंकि अपन थोड़ी पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरऑल वो ऑफ 1 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इफ़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड इफ़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ग्राइंड 75 के फोर्थ प्रॉब्लम में।